नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं आगामी व्यापम के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारत के भूगोल के आर्थिक एवं मानव भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारे संस्थान के द्वारा जो अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रयोगशाला परिचालक हेतु उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, इसके लिए स्पेशल बैच हमारे यहाँ 2 नवंबर से सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य एक नई बैच प्रारंभ की जा रही है। यह बैच मुख्य रूप से एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो कि प्रयोगशाला परिचालक में जो सिलेबस है आपका उसके अनुसार आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ये बैच मुख्य रूप से ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये स्पेशल आपको मुख्य रूप से जो हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच है, जो कि अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने अनुपम गार्डन के पास है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक नई बैच है स्पेशल बैच, जो कि टारगेटेड बैच है सीजीपीएससी प्री 2023, जो मुख्य रूप से आपको प्री जो 2023 का फेब मंथ में होने वाला है उसको टारगेट लेके बनाया जाने वाला है। इसमें खासियत ये है कि जो आपका सी सेट का जो पार्ट है मैथ्स और रीजनिंग ये कवर होगा आपका, और जीएस वाला जो पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो कि 50% होता है उसका, भारत का संविधान पॉलिटी जिसमें से लगभग आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से प्री एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, भारत का इतिहास संपूर्ण, और साथ साथ आपको करेंट अफेयर भी इस क्लास में कराए जाएंगे। यह जो क्लास है हमारे यहाँ 3 नवंबर से जो हमारा हेड ऑफिस ब्रांच है 3 नवंबर से ये क्लास प्रारंभ होगी। ये वाली क्लास भी आपको सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य संचालित की जाएगी। ये भी क्लास आपको ऑनलाइन मोड के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हम अपने वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। हम जो टॉपिक लेके आए आज आपके लिए भारत के आर्थिक एवं मानवीय भूगोल से संबंधित है, तो ये जो आपका पहला प्रश्न है कौन सा कारक जो है आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बात करें प्राकृतिक संसाधन तो अर्थव्यवस्था, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें भूगोल पे तो अर्थव्यवस्था का सबसे मूल या तो बेस क्या होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत आप खनिज संसाधन पढ़ते हो। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोल सकते हो। जलवायु दशाएं ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, ये भी कारक है। जनसंख्या का आकार जो कि मानव संसाधन को क्या करती है बढ़ोतरी करती है, तो ये भी आपका क्या है सही हो जाएगा। बोले जाने वाली भाषा, ये जो बोले जाने वाली भाषा है ये आर्थिक गतिविधि में बहुत ही कम रेयर क्या करता है प्रभावित करती है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर क्या होगा आपका ये सही होगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार पाया जाता है। अगर हम देखें भारत में कोयले की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टान इस क्रम की चट्टाने पाई जाती है कि आपका कोयला, और भारत का जो 90% कोयला है इसी चट्टान से मिलता है, और ये जो क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और ये आपका छत्तीसगढ़, इन्हीं चारों राज्यों में क्या पाया जाता है आपका कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। बात करें अगर यहाँ ऑप्शन के अनुसार कहाँ पे सर्वाधिक भंडार है तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है आपका आंसर बी होगा सही यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ ये वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पे उसके नाम को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, पहला है पूर्व का बोस्टन, भारत में या पूरे संपूर्ण विश्व की बात करें तो पूर्व में कौन है भारत है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कहीं ना कहीं पूर्व का ही बात कर रहे हैं, तो पूर्व का बोस्टन किसको बोलते हैं गुजरात को बोला जाता है अर्थात अहमदाबाद। A का 2। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ बोला जाती है मुंबई को, क्योंकि ये जो आपका गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो दोनों क्या है मुख्य रूप से सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सूती वस्त्र। रीजन क्या है इसका, यहाँ पे दोनों जगह क्या पाई जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी पे
सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कपास का, जिसके वजह से यही दोनों राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन में रहता है। तीसरा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो उत्तर भारत में एक है आपका यूपी का कानपुर, तो यूपी का कानपुर। थ्री, दक्षिण का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो दक्षिण का आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां पे, तो इसका क्या हो जाता है? ए। मैच करेंगे ए का टू, ए का टू यहां भी है, सी में भी है। बी का फोर, तो आप देखो बी का फोर यहां भी है, यहां भी है। सी का थ्री, तो आप देखो सी का थ्री केवल यहां पर है। तो सही आंसर कौन है आपका? सी आंसर आपको क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? भारत में जब स्टील प्लांटों की बात करें अगर, तो तीन जगह मेन था, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये जो है, जब भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, तो वर्ष 1955 में संधि होता है और 1959 से क्या होता है यहाँ पे, उत्पादन कार्य चालू होता है। उत्पादन कार्य, तो उत्पादन कार्य के अंतर्गत कौन कौन से देश के साथ, जैसे कि भिलाई की बात करें तो सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। दुर्गापुर की बात करें तो ये है आपका ब्रिटेन, पश्चिम बंगाल पे। और राउरकेला की बात करें, ये है मुख्य रूप से आपका जर्मनी। और बोकारो भी किसका है? यूएसएसआर। तो यहाँ पे पूछा गया ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के साथ, तो दुर्गापुर क्या है आपका? सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है? भारत में बात करें सिंचाई परियोजना का, तो भारत में एक नदी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हम देखें अगर इसको, जो सतलज नदी है आपका, एक है सतलज नदी और एक इसी में बनता है आपका व्यास नदी, इन्हीं दोनों के संगम पर एक बांध पड़ते हैं हम लोग, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, इसी भाखड़ा नांगल बांध से दो नहर निकलती है, एक निकलता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एक नहर निकलता है सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना, तो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये मुख्य रूप से आपका पंजाब, राजस्थान, ये वाले क्षेत्रों को सिंचित करता है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना ये मानी जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सी है? भारत में अगर बात करें मैंगनीज के उत्पादन का, तो मध्य प्रदेश का आपका बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या मिलता है? सबसे ज्यादा मैंगनीज का। भंडारा में बात करें तो उड़ीसा है, लेकिन उत्पादन कहाँ पे ज्यादा होती है? तो आपका बालाघाट, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है? यहाँ पे लिग्नाइट कोयले की बात की जा रही है। कोयले के आप देखते हैं चार अयस्क अलग अलग होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, जैसे बिटुमिनस की बात करते हैं आप, तो बिटुमिनस क्या है? पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोयला पे लिग्नाइट की बात कर रहे हैं, तो लिग्नाइट देखिएगा तो तमिलनाडु का नवेली जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है? इसी का भंडारण ज्यादा है, उत्पादन भी अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल पार्क का, ऐसा नेशनल पार्क जो सभी प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे पाया जाता है नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क। अब नामदफा नेशनल पार्क अगर देखेगा जलवायु के दृष्टिकोण से, तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, जो कि 23.5 में होती है। इसके ऊपर वाला क्षेत्र और ये नीचे वाला क्षेत्र को अगर देखें, तो ये कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ये वाला कहलाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है आपका समशीतोष्ण, फिर शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात ये जो आपका नामदफा वाला है, कहीं ना कहीं हिमालय का ही क्षेत्र है, और हिमालय कैसा होता है? ठंडा प्रदेश, अर्थात बर्फी वाला, जिसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है, वहां की जलवायु की बात करें अगर, वहां की पर्वतों की हाइट की बात करें,
समुद्र तल से लगभग 4000 तो औसतन है वहां पे, है ना। तो इसके वजह से क्या है, यहाँ की जो जलवायु होता है सभी प्रकार के क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा, नामदफा नेशनल पार्क। और कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम पे, नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो सब अलग अलग जगह पे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कथन दिया गया है, भारत का चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत जो है चाय का क्या है, निर्यातक देश है, अर्थात भारत से क्या होता है, चाय का निर्यात होता है, ठीक है, ये पहला कथन। कारण देखते हैं आज, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत ही कम होती है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत में चाय पीने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे भारत के कोई अन्य क्षेत्र की बात, चाय मतलब एक दिन में 3 से 4 बार हो जाता है। तो खपत हमारे यहाँ कम है क्या, नहीं, हमारे यहाँ खपत सर्वाधिक होती है। जैसे कि चीन में आप देखोगे, चीन में उत्पादन अधिक है लेकिन खपत थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन भारत में चीन की अपेक्षा कम है लेकिन उसका उपभोग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे कथन ए सही है, किंतु आज क्या है उसका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये सी आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं खेतड़ी जो क्षेत्र है राजस्थान वाला क्षेत्र पे है, राजस्थान में तांबे के लिए जानी जाती है, तांबे के साक्ष यहीं पे ज्यादा मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर, राजस्थान पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ राज्यों के नाम दिया गया है और एक तरफ ये परमाणु गृह है, परमाणु ऊर्जा गृह भारत में, ठीक है। तो देखिए, अगर मुख्य रूप से यहाँ पे पहला, कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा गृह है, तो आप जानते हैं कर्नाटक पे कैगा परमाणु ऊर्जा गृह है। तमिलनाडु की बात करें तो नाम से है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा गृह। उत्तर प्रदेश नरोदा, गुजरात पे काकड़ापार। पहला बात करें ए का 2, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए का 2 दोनों जगह है, बी का 4 दोनों जगह है, सी का 1 नरोदा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम बताना है। तो ये जो प्रश्न है आपका, मुख्य रूप से कहां से, ये मानवीय भूगोल के अंतर्गत आता है। तो बात करेगा जनसंख्या के, बोल है ना, क्षेत्रफल में तो गोवा सबसे छोटा है, आप बता सकते हैं कि गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहां पे पूछा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो सबसे कम कहां पे है, सिक्किम पे, फिर मिजोरम, और तीसरे नंबर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। यहां भूमिगत की बात करें अर्थात ये भूतापीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल पावर प्लांट। तो हम अगर देखें भूतापीय में, तो आप मणिकर्ण शहर का नाम पढ़ते हैं, इसमें मणिकर्ण, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र पे है, जहां से भारत ने पहली बार क्या किया था, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। जैसे आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, बलरामपुर के तातापानी पे, जो कि गर्म जल का स्रोत का प्रयोग करके क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है। यहाँ पे राज्यों का नाम दिया गया है, पूछा गया है कि यात्री डिब्बा का सामान सबसे ज्यादा कहाँ पे बनता है। तो आप जानते होंगे पंजाब का कपूरथला और तमिलनाडु का पेराम्बूर, तो ये दोनों जगह क्या है, फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। यहाँ पे उड़ीसा पे नहीं होता है तो ये गलत हो जाता है, तमिलनाडु पे होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का दूसरा जगह है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल और ये पंजाब फिर से दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो ए होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। भारत में जो खनिज संसाधन है सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, समृद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारत पे अगर देखेंगे आप, जैसे कि बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से क्या मिलता है, कोयला। दूसरा बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टान,
तो धारवाड़ से क्या मिलता है, धात्विक खनिज, या बात करें अगर धात्विक खनिज के अलावा तो लौह अयस्क, और तीसरा है आपका कड़प्पा। तो कड़प्पा की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। और चौथा है आपका मुख्य रूप से आपका दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप से क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ये आपका बॉक्साइट। तो इन सब चीजों से समृद्ध अगर जो कोई क्षेत्र है भारत में, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे आप, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो मालवा का पठार मुख्य रूप से ये आपका जो विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत, इन दोनों के मध्य कौन सा पाया जाता है, ये मालवा का पठार, जो दोनों को अलग करती है। सेकेंड है आपका दक्कन का पठार, जो कि ये वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र तेलंगाना वाला हिस्सा, दक्कन का पठार, जहां पे मुख्यतः क्या पाई जाती है, काली मिट्टी का विस्तार है। चौथा लद्दाख का पठार, लद्दाख के पठार नॉर्थ में है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पाया जाता है कोयला, पाया जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरे खनिजों के दृष्टिकोण से पूछा है। तो एक बचा है आपका छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि मैंने अभी बताया भारत का 90% कोयला यहीं से मिलता है, कोयला भी यहीं से मिलता है सर्वाधिक, यहीं से आपको लौह अयस्क मिल जाएगा, इसी क्षेत्र में झारखंड पे यूरेनियम भी मिलता है, यूरेनियम, इसी क्षेत्र में पाट प्रदेश में बॉक्साइट भी मिलता है, बॉक्साइट। इसके साथ साथ अन्य जो खनिज बहुत सारे वो इन्हीं छोटा नागपुर के पठार से मिल जाता है, जिसके वजह से एक खनिज या आर्थिक क्षेत्र को जाना जाता है, और इसको बोला जाता है रुद्र प्रदेश। रुद्र प्रदेश जर्मनी का एक क्षेत्र है, जहां पे सर्वाधिक खनिज मात्रा पाई जाती है, या सभी प्रकार के खनिजें पाई जाती है, जिसके वजह से कंपेयर कर किया जाता है, रुद्र प्रदेश किसको बोलते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला है, हम देखेगा छत्तीसगढ़ जो राज्य है, इसके दक्षिण छोर में जो बैलाडीला की पहाड़ी है या खान है, वहां से लोहे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और ये लोहे का उत्पादन है ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, इसी बंदरगाह से क्या होता है, विदेशों में क्या होता है, निर्यात होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही है आपका। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से गुजर सकती है। हम देखिए, अगर जब भूकंप आता है तो ये कोर, मेंटिल और ये आपका क्रस्ट, जैसे कि भूकंप यहां पे उत्पन्न हुई है तो ये कहलाता है क्या, उसका केंद्र बिंदु। जब भूकंप तरंगे आती है कहां पे, सरफेस पे, यहां पे, तब ये कहलाता है क्या, अधिकेंद्र, या ईपी सेंटर बोलते हैं इसी को, ईपी सेंटर, ये वाला क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अब भूकंप किस रूप में होता है, तो भूकंप होता है किस रूप में, तरंग के रूप में, तरंग के रूप में, इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा बोला जाता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब ये तरंगे कितने प्रकार की होगी, तीन प्रकार के होते हैं, पी एस और एल, पी एस और एल, सबसे तीव्र गति वाला यही होता है, इससे मीडियम में होगा ये वाला, और सबसे स्लो होता है यही, आप ऐसा कर सकते हो इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से एकदम स्लो जाएगा। सर्वाधिक नुकसान कौन सा पहुंचाता है, तो एल तरंगे पहुंचाती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोर को क्रॉस करे कौन जाता है, तो तरंगे चारों दिशा पे होगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ कोर को क्रॉस करके जाने वाला कौन है, पी तरंगे, जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में क्या होती है, तरंगे क्या होती है, गमन करती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे पी तरंगे। एस जो कि मुख्य रूप से कहाँ रहता है, आपका पृष्ठ भाग में ही रहता है, और जो एल तरंग है वो कहाँ पे होता है, ये धरातल पे होता है, और जो कि धरातल में बहने वाली जो तरंग होती है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहे हो कि कौन से तरंगे कोर से गुजर जाती है, तो ये है आपका पी, पी तरंगे। ठीक है, इसका मापन भी आता है कभी कभी एग्जाम पे, सिस्मोग्राफ, जिसमें ग्राफ बनाया जाता है, सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो एक आप पढ़ते हो मर्केली स्केल, और एक आप पढ़ते हो रिक्टर, ये स्केल का नाम है, और इससे ग्राफ जो बनता है क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पे पाया जाता है। संगमरमर की बात करें तो ये मुख्य रूप से कायंत्री चट्टान मिलता है, कायंत्री चट्टान। आप दो जगह नाम फेमस सुने होंगे, एक भेड़ाघाट सुने होंगे एमपी का संगमरमर के लिए, और एक आप सुने होंगे मकराना
राजस्थान वाले क्षेत्र का। तो इसमें सबसे बेस्ट वाला जो चट्टान पाया जाता है कौन सा है आपका, मकराना, ये वाला हिस्सा। सी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है। यहाँ थोरियम की बात करें अगर, तो थोरियम एक मोनोजाइट खनिज होता है, उसमें पाया जाता है मोनोजाइट खनिज। और ये भारत की बात करें अगर, तो केरल के तट पे रेत वाले क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे केरल ये वाला हिस्सा, तो यहाँ रखेंगे वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। अभी मैंने बताया है भारत का रूर प्रदेश, तो अगर आप देखे होंगे यहाँ पे रूर प्रदेश कहने का मतलब है छोटा नागपुर का पठार, और इस छोटा नागपुर के पठार से गुजरने वाली एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, और दामोदर नदी घाटी इसी से बनता है, और दामोदर नदी घाटी पे क्या मिलता है, कोयला। अगर पूछा जाएगा भारत में कोयले का जन्म कौन सा क्षेत्र माना जाता है, तो दामोदर नदी को माना जाता है, दामोदर नदी घाटी को। इसी कारण भारत में सबसे पहला नदी घाटी परियोजना भी कहां पे बना था, तो दामोदर नदी पे। सबसे पहला नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे पहला यही बना है। ये भी क्वेश्चन के भी पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। आंसर होगा आपका क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए, जादूगोड़ा मुख्य रूप से जाना जाता है किसके लिए, यूरेनियम के लिए, जो कि कहाँ पे है, झारखंड वाले क्षेत्र पे है। इसका आंसर होगा डी, ये झारखंड पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है। मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ये जो पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, वर्ष 1955 में संधि होता है, 1959 के तहत क्या होता है, यहाँ से उत्पादन कार्य प्रारंभ होता है। अगर देखें हम पंचवर्षीय योजना का क्रम, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ, ये बनाया गया था या स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। यहाँ पे बात किया जा रहा है भारत के कुल जो जनसंख्या है, अगर बात करें वर्तमान में 2011 की जनगणना, 121 करोड़ जनगणना है, तो उसमें अनुसूचित जाति अर्थात एससी कैटेगरी कितना प्रतिशत है, तो एससी कैटेगरी हमारे यहाँ कितना है, 16.6%। ये, और बात करें एसटी का, तो 8.6%। एसटी क्या है, कम है, एससी की संख्या क्या होती है हमारे पास, ज्यादा होती है। टोटल जनसंख्या में बात करें तो यूपी में क्या है आपका, ये सर्वाधिक है। अगर प्रतिशत की बात करें तो कहां पे, ये पंजाब पे है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, पंजाब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो जैसे ही आपके यहाँ मानसून होती है या पानी गिरता है, तो उसके बाद कौन सी फसल के टाइप क्या बोई जाती है। तो हम फसल की बात करें तो तीन प्रकार की फसल होती है भारत में, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है आपका रबी फसल, और एक होता है नकदी फसल, या जिसको बोला जाता है क्या, जायद फसल। तो आप कॉमन सी बात है, रबी फसल तो आप जानते होंगे कि जब पानी की आवश्यकता कम होती है तो सिंचाई का सुविधा देके यहाँ पे गांव में दिया जाता है। लेकिन पश्चिम हवाओं से जब वर्षा होती है तो कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ फसल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर आपका सही होगा। तो इतने जो प्रश्न थे वो आपके सीजीपीएससी प्री के लिए, साथ साथ आपके आगामी जो परीक्षा है व्यापम के जितने भी एग्जाम होने वाले, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप निरंतर हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगामी जो जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा निरंतर एमसीक्यू श्रृंखला लाई जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।